हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डीएस देखो और सीखो। चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूं, आप अगर लिए हैं प्रिंटर कैनन का G2060 सीरीज का, उसमें आपको जेरोक्स, कलर जेरोक्स, ब्लैक एंड व्हाइट जेरोक्स अगर नहीं आता है तो मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूं किस तरह से निकालते हैं। तो मेरे वीडियो में बने रहिए अंत तक। तो फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को सिखाते हैं कि जेरोक्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा पावर बोर्ड है। ठीक है, यहाँ पर पावर ऑन किया हुआ है और इधर से कनेक्ट करके यहाँ से लगा के फिर इसमें ऑन कर दिए हैं। ठीक है, और मेनू बटन में जाके A4 साइट सेलेक्ट कर लिए हैं। ठीक है, आप लोग भी इस तरह का फंक्शन है, देखिए कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर पेपर लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स, जेरोस करने के लिए पेपर लगाना है। इसको इस तरह से इधर कर देंगे और इसको इस तरह से उठा के इस तरह कर देंगे। ठीक है, वहाँ से मैं फिर अभी पेपर ले लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, A4 साइज पेपर ले लेंगे और यहाँ इस तरह से इसको लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से लगा देंगे। ठीक है, हो गया, देखिए हो गया है। उसके बाद ले लेते हैं एक आधार कार्ड। ठीक है, ये मेरा देखिए आधार कार्ड है। ठीक है, अल्टी पल्टी कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले इसको ओपन करेंगे इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर रख देंगे और आधार कार्ड को जैसे है ना इधर इस तरह से रख देना है इसका। ठीक है, इस तरह से रख देना है। ठीक है, इस तरह से रख दिए और इसको ढक्कन लगा दिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर बटन दिया हुआ। ठीक है, ब्लैक, ठीक है, और कलर। ठीक है, ये ब्लैक करने के लिए, एक कलर करने के लिए। ठीक है, तो मुझे ब्लैक करना है तो ब्लैक में एक बार दबा देना है। ठीक है, देखिए ब्लैक में दबाने के बाद देखिए इस तरह से खींचा। ठीक है, अभी देखिए इस तरह से इधर से निकल जाएगा। देखिए एक साइड हो गया, फिर इसी पेपर को फिर ऐसे ही रख देना है फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसे ही रख देना है इसको, साइड बैक साइड निकालने के लिए ऐसे रख दिए। फिर इसको इस तरह से ओपन करेंगे और आधार कार्ड को अभी इस जगह में था ना फ्रेंड्स, इस जगह में था, तो अभी इस साइड कर देंगे इसको। ठीक है, इस तरह से रख देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर बंद कर देंगे ढक्कन। ठीक है, आराम से फिर उसके बाद ब्लैक में दबा देंगे। देखिए ले लिया, अभी देखिए अपने, देखिए निकल गया, देखिए आधार कार्ड का जेरोक्स निकल गया अल्टी पल्टी। ठीक है, इस तरह से उसी का अगर कलर करना है तो कलर में दबा करेंगे तो कलर निकलेगा। ठीक है, और जैसे मान लीजिए ब्लैक एंड व्हाइट निकालना था और कलर दब गया। ठीक है, तो जल्दी से इसको ये वाला बटन दबा दीजिएगा स्टॉप, तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हो गया आधार कार्ड का, और मैं A4 साइज का जैसे कुछ प्रिंट किया हुआ है। ठीक है, इसको मैं करके दिखाता हूँ, ये तो आसान है फ्रेंड्स, बस आपको कुछ नहीं करना है। इसको साइड कर देते हैं और इसको इस तरह से रख दीजिएगा, ये तो नॉर्मली पूरा निकल जाएगा, कोई भी सक जाएगा। ठीक है, इसको इस तरह से रख दीजिएगा और इसको ढक्कन बंद। ठीक है, और इसको ब्लैक एंड व्हाइट में दबा देंगे। ठीक है, अभी ब्लैक एंड व्हाइट निकल जाएगा। ठीक है, देखिए देखिए ब्लैक एंड व्हाइट ले लिया है, अभी निकल जा रहा, देखिए। ठीक है, इस तरह से निकलते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो आशा करते हैं फ्रेंड्स मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो लाते रहता हूँ। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू, बाय।